हकीकत ये है कि आपकी शायरी जो है वो एक क्लासिकी अदब जो हमारा है, क्लासिकी शायरी जो हमारी है वो आप उस वर्ष के अमीर हैं। फिर जमाना अगर मैं कहूँ तो उर्दू के सिपाही भी हैं, शोबा उर्दू से मुतालिक तदरीसी इदारों से वाबस्ता भी रहे हैं और आप एक यूनिवर्सिटी जो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है उसमें डीन ऑफ आर्ट्स फैकल्टी भी रहे हैं आपने और हमारे वसीम साहब पे बाकायदी से पीएचडी हुए हैं। देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी शायर के ऊपर कोई पीएचडी हो और उसकी हयात पे वो पीएचडी हो, ये बहुत बड़ा एक एजाज़ है, किसी एजाज से कम नहीं है। और कहते हैं कि वसीम परवीन साहब की शायरी में वफादारी है और आपकी बिनाए आप अपनी बिनाए गज़ल को कभी छलकने नहीं देते और हकीकत यही है कि हमेशा आपकी वफादारी अपने अखलाक का दामन थामे रहते हैं और इनके यहाँ कैफे गज़ल और अल्फाज के दरोपस भी हैं। और देखिए इनके अशार ज़रा देखिए, ऐसा लगता है कि ये अशार हम सब के दिल की आवाज़ है। आप फरमाते हैं कि घरों की तरबियत क्या आ गई टीवी के हाथों में, घरों की तरबियत। अब देखिए क्या बोलता और किस तरह हमारे हालात से ताबत रखता हुआ है कि घरों की तरबियत क्या आ गई टीवी के हाथों में, कोई बच्चा अब अपने बाप के ऊपर नहीं जाता। और कहते हैं कि वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। आपका एक और मैं सिलसिला बयान करूँ, मेरे पास एक किताब है उसमें मुख्तलिफ असाज़ा के अशार हैं जो ज़रूर मिसल अशार हैं, उनकी एक किताब करती थी है तो मेरे पास वो किताब मौजूद है। लेकिन आपके जो अशार हैं वो इतने ज़रूर यानी इतने सारे हैं ज़रूर मिसल अशार के, उसके ऊपर बाकायदगी से सिर्फ एक किताब आपके अशार में एक साहब हैं जिनका नाम है डॉक्टर जावेद अज़ीमी, उन्होंने तैयार किया है। तो ये इतनी सलाहियतों के मालिक और आज हमारे दरमियान मौजूद है, यह अपनी खुशकस्मती है। मैं आपसे बहुत ही मोहतरमाना दरख्वास्त करूँगा कि आज की महफिल के लिए अपने अशार इस महफिल की नज़र फरमाएँ और आपकी बड़ी मोहब्बत।